Okay, in today's lecture, we'll discuss about surgery. Enteral nutrition को देखेंगे कि हम कौन से हम इसके अंदर पॉइंट्स को हम कंसीडर करेंगे. हम सर्जिकल पेशेंट के लिए एंट्रल न्यूट्रिशन या बेलेंट्राइज डाइट हम प्लान करना चाह रहे हैं, तो हम कौन कौन से पॉइंट्स देखेंगे, क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, कौन से फार्मूलाज हम देख सकते हैं, ले सकते हैं, कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का हमें ख्याल रख रहे हैं, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे. ओके, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म देखें बिफोर सर्जरी अगर हम देखें तो ये कहते हैं कि जो एनाबॉलिज्म है वो कैटाबॉलिज्म के इक्वल है. कि अगर प्रोटीन की जो एनाबॉलिज्म है, स्पेशली हम प्रोटीन की सर्जरी में इसलिए बात करेंगे कि प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है, तो एनाबॉलिज्म जो है वो कैटाबॉलिज्म ये दोनों इक्वल चलें, इक्वल चलती हैं, तो जिससे ताकि वो फर्दर मेल न्यूट्रिशन की तरफ ना जाए. ठीक है, ओके. लेकिन यहाँ पे एक आता है इशू, यहाँ पे आता है जब आप सर्जरी कंडीशन में जाते हैं, तो सर्जरी की कंडीशन में इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है. हमने पहले बात की कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों होती है, ड्यू टू स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं. तो स्ट्रेस के वजह हार्मोन लाइक कैटाबोलामीन, कॉर्टिसोल, ग्लूकागोन, ग्रोथ हार्मोन, दीज आर द स्ट्रेस हार्मोन एंड साइटोकाइंस, दीज आर द स्ट्रेस हार्मोन्स के रिलीज होते हैं. दीज स्ट्रेस हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस. सो इस पॉइंट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी पर्सन स्ट्रेस में जाएगा इंसुलिन रेजिस्टेंस आएगी. तो जब पेशेंट जो है सर्जरी के थ्रू, सर्जरी हो रही है एक पेशेंट की, सर्जरी के दौरान इंसुलिन रेजिस्टेंस आ सकती है, रेजिस्टेंस की वजह से कैटाबॉलिज्म बढ़ेगी या कम होगी. जब रेजिस्टेंस आएगी, रेजिस्टेंस का मतलब है कि बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, बॉडी सेल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी, मीन की ग्लूकोज जो ब्रेक डाउन हो रही है वो ब्लड में उसका लेवल बढ़ता जाएगा लेकिन हमारे बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी. तो उस कंडीशन में जब बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी तो कैटाबॉलिज्म और बढ़ेगी या कम होगी, ऑफ कोर्स कैटाबॉलिज्म उस कंडीशन में और बढ़ जाएगी. ठीक है, तो सर्जरी की कंडीशन में कैटाबॉलिज्म बढ़ जाती है एनाबॉलिज्म के लिए. तो नॉर्मल मैकेनिज्म क्या है कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म सेम चलते हैं. यहाँ पे देखें तो कैटाबॉलिज्म जो है ब्रेक डाउन ज्यादा हो जाएगी, सेंसेस सेमिन कैटाबॉलिज्म जो है वो एनाबॉलिज्म से ज्यादा होगी, तो इसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल जो है ब्लड में इसका लेवल बढ़ सकता है. यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये देखिए सर्जरी के अंदर ड्यूरिंग द सर्जरी जो आपकी नाइट्रोजन एक्सक्रीशन है वो बढ़ जाती है, नाइट्रोजन एक्सक्रीशन, बिकॉज प्रोटीन की ब्रेक डाउन बढ़ रही है तो नाइट्रोजन की एक्सक्रीशन भी इंक्रीज हो जाएगी. ओके, जो एक वेल नरिश्ड पेशेंट है जो कि न्यूट्रिशन स्ट्रक्चर जिसका बिल्कुल नॉर्मल है, हेल्दी अगर जो पेशेंट है उसके अगर सर्जरी करनी है तो उसके वो जो है सर्जरी को ज़्यादा बेहतर तरीके से टॉलरेट कर पाएगा बजाय इसके लिए जो मेल नरिश्ड पेशेंट है. तो मेल नरिश्ड जो पेशेंट है उसके अंदर जो इंसिडेंस है सर्जिकल पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस का, मॉर्बिडिटी या मोर्टैलिटी का जो रेशियो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हेल्दी पर्सन या एक वेल नरिश पर्सन का जो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कम है एज कम्पेयर टू मेल नरिश पेशेंट. पोस्ट ऑपरेटिव आप जब जो प्री ऑपरेटिव न्यूट्रिशन सपोर्ट जो है की बेनिफिशियल है आपके जितने भी अगर सिवियरली मेल नरिश पेशेंट है या मॉडरेटली मेल नरिश पेशेंट है उसके अंदर जो प्री ऑपरेटिव न्यूट्रिशन सपोर्ट आपको देना होगी बहुत जरूरी है. क्योंकि अगर जो है आप उसको सपोर्ट नहीं देंगे न्यूट्रिशन सपोर्ट और पेशेंट मेल नरिश होगा तो उसकी वजह से मोर्टैलिटी रेशियो बहुत बढ़ जाएगी, मोर्टैलिटी का रिस्क इस कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा होगा. सो इसलिए इन द स्टार्ट हमें अगर सर्जरी से पहले हम देखेंगे अगर पर्सन जो है मेल नरिश है तो हम उसको न्यूट्रिशन सपोर्ट देंगे. सीरम एल्बुमिन ये बेस्ट मार्कर है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस प्रेडिक्ट कर सकते हैं, प्रेडिक्टर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं कि मोर्टैलिटी कैसे का लेवल क्या होगा. अगर एल्बुमिन का लेवल कम है तो मोर्टैलिटी का रिस्क बहुत ज़्यादा होगा. ये जो रिसर्च आर्टिकल है आप इसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, दैट एक्चुअली ये पूरा एल्बुमिन के इसके ऊपर है कि एल्बुमिन का लेवल कम हो तो मोर्टैलिटी रिस्क कितना हो सकता है. तो ये कंप्लीट आर्टिकल इसी के ऊपर है.
लिक्विड डाइट जो है, सर्जरी से पहले आप लिक्विड डाइट देते हैं, मिनिमम रेजिड्यू, मीन कि उसके अंदर जो है सॉलिड कंटेंट बहुत कम हो, आप लिक्विड डाइट उसको ज़्यादा दे रहते हैं बिफोर सर्जरी। एंड जो न्यूट्रिशन रिस्क पे हैं, मेल न्यूट्रिशन कंडीशन, न्यूट्रिशन कंडीशन है, आप सर्जरी से पहले लिक्विड डाइट देते हैं। लेकिन आपने टीपीएन पे नहीं पेशेंट को लेके जाना बिफोर सर्जरी। उसकी वजह ये है कि अगर आप टीपीएन पे लेके जाएंगे तो इन्फेक्शन का रिस्क बहुत बढ़ जाएगा, सिवाय उन पेशेंट के जिनका अगर फूड एंट्रली वो फूड ले नहीं सकते, मेल न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन है पेशेंट, उनके लिए जो बहुत मुश्किल है या फिर नॉट पॉसिबल कि उनको एंट्रल फीडिंग दी जाए, इस कंडीशन में आप टीपीएन दे सकते हैं। अदरवाइज टीपीएन को रिकमेंड नहीं किया जाता ताकि फर्दर जो है वो कॉम्प्लिकेशन ना आ सके इस कंडीशन में। 7 से 14 दिन पहले जो है न्यूट्रिशन सपोर्ट, प्री ऑपरेटिव न्यूट्रिशन सपोर्ट देनी चाहिए उन पेशेंट्स को जो कि मैलनरिश्ड है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है अगर आपने पहले प्लान कर लिया है कि आपके पास कोई पेशेंट आया है, आप ये कैसे आपने नोट किया है कि नो द पेशेंट को सर्जरी करनी है, लेकिन पेशेंट जो है 7 से 14 दिन तक अगर पेशेंट की सर्जरी को डिले किया जाए तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो इन दैट केस अगर आप सेफली डिले कर सकते हैं, सर्जरी को पोस्टपोन कर सकते हैं 7 से 14 दिन के लिए, तो प्री ऑपरेटिव न्यूट्रिशन सपोर्ट जरूर देंगे 7 से 14 दिन तक, और उन पेशेंट्स को जो कि स्पेशली मैलनरिश्ड है। आपने जो है स्टमक जो है आपके स्टार्ट से पहले, सर्जरी से पहले जो है स्टमक शुड बी एम्प्टी, ताकि वॉमिट एस्पिरेशन से बचा जा सके। एस्पिरेशन से बचने के लिए आपने जो है पेशेंट को जो स्टमक है वो एम्प्टी होना चाहिए, और पेशेंट जो है वो कोई फूड नहीं देनी चाहिए 6 मंथ्स बिफोर, 6 आवर्स बिफोर सर्जरी, तो पेशेंट एनजीओपी होगा। इन इलेक्टिव केसेस मतलब कि आपने पहले प्लान की हुई है सर्जरी, आपको पता है कि मैंने इस पेशेंट की सर्जरी होनी है कल, तो आप 6 घंटे पहले जो है उसका जो फूड वगैरह उसका नहीं देंगे, पेशेंट को एनजीओपी लेके जाएंगे। लेकिन अगर कोई पेशेंट जो है उसकी इमरजेंसी में सर्जरी आपने करनी है, तो इस दैट केस जो है गैस्ट्रिक लवाज के जरिए आप जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो आप सक कर लेंगे। तो गैस्ट्रिक लवाज में यू इंसर्ट ट्यूब इधर थ्रू माउथ और नोज इनटू द स्टमक, और गैस्ट्रिक आप जेट ट्रैक में करते हैं इंसर्ट, और वहां से आप गैस्ट्रिक कंटेंट को सक कर लिया जाता है, ताकि फर्दर जो है अगर क्योंकि ड्यूरिंग सर्जरी जो है पेशेंट को फर्दर कॉम्प्लिकेशन लाइक इन्फेक्शन के चांसेस ना आए, क्रोनिक बैक्टीरिया की ग्रोथ ना बढ़ जाए, तो इसके लिए अब जो है गैस्ट्रिक कंटेंट को वो निकाल लिया जाता है, और एक्सपायरेशन के जो चांसेस भी ज्यादा होते हैं तो उसके लिए भी इसको गैस्ट्रिक जो जी ट्रैक शुड बी एम्प्टी। ओके, सर्जरी से पहले, नॉर्मल सर्जरी से पहले आपकी जो कॉलन है, कॉलन शुड बी फ्री ऑफ रेजिड्यू, आपके क्योंकि जो क्रोनिक बैक्टीरिया हैं उसका अगर वो रेजिड्यू कम होंगे तो उसकी ग्रोथ भी कम होगी, अदरवाइज जो क्रोनिक बैक्टीरिया का लेवल जो है वो इंक्रीज हो सकता है और इन्फेक्शन का रेशियो बहुत बढ़ सकता है। तो आप लो फाइबर डाइट और लिक्विड डाइट जो है दे सकते हैं पेशेंट को इन द स्टार्ट, आप 1 टू 2 डेज बिफोर सर्जरी जो है आपने पेशेंट को लिक्विड डाइट दी जा सकती है, और पेशेंट को एनीमा भी दिया जाता है। एनीमा एनीमा ये चीज होती है कि एनीमा के अंदर आप जो है पेशेंट को एनीमा देते हैं ताकि उसका जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो उसको एक्सपेल किया जा सके, उसको निकाला जा सके। सो गैस्ट्रिक कंटेंट को आप निकालने के लिए, गैस्ट्रिक कंटेंट को बॉडी से रिमूव करने के लिए एनीमा प्रोवाइड किया जाता है, एनीमा दिया जाता है पेशेंट को। द एंट्रल फार्मूलास जो कि दिए जाते हैं, फार्मूलास रिकमेंड किए जाते हैं, आप ये एंट्रल फार्मूलाज आपके क्रॉस की बुक में अवेलेबल हैं, ये ज़्यादा ऑल द फार्मूलाज हम इसको डिटेल में भी थोड़ा सा आगे देखेंगे, ये आपके क्रॉस की बुक्स में अवेलेबल है, आप इसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। दीज आर द मॉड्यूलर फार्मूलाज, ये मॉड्यूलर फार्मूलाज भी दिए जाते हैं। मॉड्यूलर फार्मूला को पहले जब हम फार्मूलाज को देख रहे थे तो हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। सो मॉड्यूलर फार्मूलाज मैं जस्ट रिपीट कर देता हूँ, मॉड्यूलर फार्मूलाज वो होते हैं जिसके अंदर एक ही मैक्रो न्यूट्रिएंट मौजूद होता है, चाहे उसके अंदर प्रोटीन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे फैट हो, जैसे कि बेनी प्रोटीन है, माइक्रोलिपिड है, पॉलिकोज है। बेनी प्रोटीन में प्रोटीन में जो है माइक्रोलिपिड दैट कंटेन फैट्स, पॉलिकोज
इट कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। सो मॉड्यूलर फार्मूला जिसके अंदर एक ही मैक्रोन्यूट्रिएंट मौजूद होता है। सो ये जो मॉड्यूलर फार्मूलाज हैं दीज आर फॉर पेशेंट ये सर्जरी में दिए जाते हैं, ये दीज आर ऑल द सर्जिकल फार्मूलाज जो कि सर्जरी के पेशेंट को रिकमेंड किए जाते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव न्यूट्रिशन सपोर्ट जो है वो आपको, अगर पेशेंट जो है मेल नरिश है तो 7 से 10 दिन तक आप पेशेंट को न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे ताकि उसका न्यूट्रिशन स्टेटस जो है वो मेंटेन हो जाए। और मैगे थ्री फैट्स जो है रिकमेंड दी जाएंगी। आपके जो फार्मूलाज हैं जितने भी सर्जरी के फार्मूलाज हैं उनके अंदर जितने भी एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं वो सारे उसके अंदर अवेलेबल हैं, सारे मौजूद हैं। मैगे थ्री फैट्स भी है, बाकी जितने भी हमने किए थे एंटी ऑक्सीडेंट्स लाइक आर्जिनिन, लाइक ग्लूटामिन, लाइक वाइटामिन ए, वाइटामिन ई, वाइटामिन सी, सेलेनियम, जिंक, दीज आर ऑल द न्यूट्रिएंट्स जो कि जितने इंपॉर्टेंट एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं वो हमने डिस्कस किए थे। वो सारे आपके जो सर्जरी के जो आपके सप्लीमेंट्स हैं उनके अंदर, जो आपके फीडिंग्स हैं उनके अंदर अवेलेबल होती हैं। ओरल फीडिंग जो है अक्सर जो है वो डिले की जाती है 24 से 48 घंटे तक, 24 to 48 hours तक ओरल फीडिंग नहीं दी जाती, और तब तक नहीं जाता जबकि जब तक वो जो बाउल साउंड्स जो हैं वो स्टार्ट ना हो जाए, बाउल साउंड्स या फिर फ्लैटल्स का पैसेज स्टार्ट ना हो जाए, गैस का जो पैसेज है वो स्टार्ट ना हो, उस टाइम तक वो नहीं देते। और जनरल प्रैक्टिस ये है कि पहले क्लियर लिक्विड डाइट दी जाती है, फिर फुल लिक्विड डाइट दी जाती है, उसके बाद जो है सॉलिड डाइट पे आया जाता है। लेकिन कोई फिजियोलॉजिकल रीजन एग्जिस्ट नहीं करती कि आप जो है पेशेंट को आप जो है स्टार्ट करें, पहले उस टाइम तक आप सॉलिड डाइट नहीं दे सकते जब तक लिक्विड्स जो है वो पेशेंट टॉलरेट करना ना स्टार्ट कर दे। ऐसा कोई फिजियोलॉजिकल रीजन नहीं है, कोई भी नहीं है। लेकिन अक्सर करते ऐसे हैं कि पहले लिक्विड डाइट, फिर फुल लिक्विड डाइट, पहले क्लियर लिक्विड, फिर फुल लिक्विड, फिर सॉलिड। लेकिन कोई रीजन नहीं है कि कोई ऐसी अवेलेबल रीजन है नहीं कि आप सोलर डाइट पहले नहीं देंगे, सोलर डाइट आप ही देंगे जब फुल लिक्विड टॉलरेट करना स्टार्ट हो जाए। कोई फिजियोलॉजिकल रीजन साइंटिफिकली अवेलेबल नहीं। बहुत सारी स्टडीज ये कहती हैं कि आप जो है सर्जरी के पेशेंट को फौरी तौर पे आप जो है स्टार्ट कर सोलर डाइट दी जा सकती है, रादर देन क्लियर लिक्विड डाइट आप फौरी तौर पर सोलर डाइट दे सकते हैं। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स की बात करें, प्रोटीन हम 1.2 टू 2 ग्राम पर केजी देते हैं, फैट 15 to 30% तक हम फैट रिकमेंड करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं हम, जैसे कि ये एंटीऑक्सीडेंट्स विटामिन ए, सी, सेलेनियम, जिंक, ओमेगा 3 फैट, ग्लूटाथायोन, ग्लूटामिन एंड आर्जिनिन, ये अमीनो एसिड्स भी दिए जाते हैं। आपके जितने भी वुंड हीलिंग आपके हैं, जितने भी वुंड हीलिंग आपके सप्लीमेंट्स हैं, फीडिंग्स हैं, सारे कंटेन दीज फॉर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ग्लूटामिन, आर्जिनिन, ओमेगा 3 फैट्स एंड अदर एंटीऑक्सीडेंट्स। दीज आर द हाई प्रोटीन फार्मूलाज जिनको हम ऑलरेडी लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं इनको। सो दीज आर ऑल फार्मूलाज जो कि हम देंगे, यू विल सेलेक्ट द फार्मूला फ्रॉम दीज वन के आपके पेशेंट के लिए कौन सा ज़्यादा सूटेबल है इसमें से। आपके पास ये एक स्टडी है, आपने इसमें से देखना है क्या कितने इसको फीडिंग्स फीडिंग देखेंगे, बनाएंगे उसकी कैलकुलेशंस करेंगे इसकी, इसके अलावा जो है आप कंप्लीट में सेलेक्ट करेंगे फार्मूला कौन सा आप देंगे, ठीक है।